सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टीवी में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2020 साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सीरीज SHMJ सेट 4 कोड नंबर 63। रोल नंबर लिखना है यहाँ पर, परीक्षार्थी कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। नोट, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित प्रश्न 7 है। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 32 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वान्ह में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। तो मनोविज्ञान सैद्धांतिक साइकोलॉजी थ्योरी का क्वेश्चन पेपर निर्धारित समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 70। सामान्य निर्देश, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपके उत्तर संक्षिप्त तथा प्रश्न के अनुकूल होने चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। खंड का प्रश्न संख्या 1 से 27 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं जिनके प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है। इनके उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड का प्रश्न संख्या 18 से 21 अति लघुतीरे प्रकार के प्रश्न हैं जिनके प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। खंड का प्रश्न संख्या 22 से 24 लघुतीरे प्रकार फर्स्ट वाले प्रश्न हैं जिनके प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न का 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। खंड घ प्रश्न संख्या 25 से 30 लघुतीरे प्रकार द्वितीय वाले प्रश्न हैं जिनके प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। खंड अंग प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घतीरे प्रकार के प्रश्न हैं जिनके प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। सो खंड का प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। खंड का प्रश्न 18, 19, 20, 21। खंड का प्रश्न 22, 23, 24। खंड का प्रश्न 25, 26, 27, 28, 29 और 30। खंडांग प्रश्न 31, प्रश्न 32। तो ये थे हिंदी वर्जन के प्रश्न। अब देखते हैं इंग्लिश वर्जन के प्रश्नों को जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ। रीडिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। सो दीज आर सम इंस्ट्रक्शंस एंड सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32। सो ये था साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का। होप ये वीडियो, ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।